मुंगेर पहुंचे मालदा डिवीजन के नए DRM विकास दुबे। जमालपुरी और मुंगेर रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण, दिए कई दिशा निर्देश। दरअसल मालदा डिवीजन के नए DRM विकास दुबे अपने स्पेशल सैलून से जमालपुर जंक्शन पहुंचे, जिसके बाद वह चार पहिया मोटर चली ट्राली से मुंगेर आए और मुंगेर स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद खगड़िया जमालपुर DMU पैसेंजर ट्रेन से जमालपुर के लिए रवाना हुए। मुंगेर स्टेशन पर निरीक्षण के दौरान DRM ने स्टेशन परिसर के साफ सफाई से लेकर यात्री सुविधाओं, छोटी छोटी बारीकियों की भी गहराइयों से देखा। इस दौरान दयाराम ने मुंगेर स्टेशन सुपरिटेंडेंट राजीव कुमार सिंह स्टेशन की समस्या के साथ साथ विकास के बारे में भी कई तरह की अहम जानकारी ली। इस दौरान DRM ने रेल यात्रियों की शिकायत पर मौजूद RPF मुंगेर स्टेशन पर मौजूद वेटिंग रूम को GRP के पुलिस जवानों द्वारा अतिक्रमण को खाली कराने का निर्देश दिया। इधर DRM के आगमन को लेकर स्टेशन परिसर को पूरी तरह साफ सफाई रखा गया था। हर जगह पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया था, जबकि DRM के आगमन को लेकर रेल कर्मी जहाँ पूरे ड्रेस में दिखे, वहीं RPF और GRP के पुलिस कर्मी भी पूरी तरह से सुरक्षा को लेकर मुस्तैद दिखे। वहीं मुंगेर स्टेशन पर DRM निरीक्षण के वक्त प्लेटफार्म संख्या 1 पर जहां आवारा घोड़ा विचरण करते नजर आए, तो वहीं 1 नंबर प्लेटफार्म से 2 नंबर प्लेटफार्म पर अंडरग्राउंड सीढ़ी पर जाने के दौरान रास्ते में गाय बैठी हुई मिली। मुंगेर स्टेशन पर निरीक्षण करने के बाद दयाराम सीधी खगड़िया जमालपुर DMU पैसेंजर ट्रेन के इंजन में सवार होकर जमालपुर के लिए रवाना हुए, जिसके बाद जमालपुर स्टेशन पर निरीक्षण करने के बाद वह मोटर चली ट्राली से रतनपुर स्टेशन के लिए रवाना होंगे। इस बीच जमालपुर और रतनपुर स्टेशन के बीच बने नए रेल सुरंग का भी निरीक्षण करेंगे और रतनपुर से बलियापुर के बीच रेल दोहरीकरण का भी बारीकी से निरीक्षण कर दिशा निर्देश देने का काम करेंगे। ये मुंगेर स्टेशन के बारे में बड़ी पहले से हम लोगों ने सुना हुआ है, आज मेरा पहला विजिट है मुंगेर स्टेशन पर। 3 लाइन का ये स्टेशन है, इसकी थोड़ा सा यात्री सुविधाओं का भी निरीक्षण किया और कुछ सुधार के आइडियाज सामने दिखाई पड़े हैं, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, निर्देश देंगे जो संबंधित अधिकारी हैं। और कुछ प्लानिंग के हिसाब से भी यहाँ पे स्कोप दिख रहा है एक्सपेंशन का, तो उस विषय में भी इसको और विकसित कैसे किया जा सकता है, बड़ा स्टेशन कैसे बनाया जा सकता है, तो इस विषय में भी डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। ट्रेनों की कमी इस लाइन पे बंद हो गया, लेकिन ट्रेनों जो सही उपयोग होना चाहिए वो नहीं पाया, ट्रेन नहीं मिल पाया, तो उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। एक तो ये कि यहाँ से ओरिजिनेटिंग ट्रेनें अगर चाहिए तो उसके लिए रख रखाव की फैसिलिटीज़ की प्लानिंग करनी होगी, तो जो कि मैंने देखा कि जो रेलवे की ज़मीन है उसकी उपलब्धि में प्राइमा फेसी जो देख के लग रहा है कि डिटेल प्लानिंग करी जाएगी, प्राइमा फेसी कोई उसमें समस्या नहीं दिख रही है, तो उसकी तरफ प्लानिंग को स्टार्ट करना होगा। और बाकी इम्पॉर्टेंट ट्रेन्स तो जिस गंतव्य के लिए जा रही हैं और जहाँ से चल रही हैं उसके रास्ते में अगर कोई स्थान नहीं आता है तो वो तो लाना, उनको डाइवर्ट करके मतलब हम लोगों के स्कोप की काफ़ी समय से मांग की जा रही है सर। ओके, दिल्ली पटना के लिए मुंगेर से एक ट्रेन नहीं, ठीक है, ये सब बातें मैंने मतलब यहाँ की जो पब्लिक डिमांड है उनको अलग से हम लोग इकट्ठा करके जो संबंधित स्तर है रेलवे बोर्ड का, मुख्यालय का, उनके पास हम लोग इसको भेजेंगे और लगातार इसको फॉलो अप भी करते रहेंगे। यहाँ से जो वेटिंग रूम है, कौन रह रहे हैं यहाँ का जो फोर्स है, GRP? हाँ, GRP रह रही है, पब्लिक यात्री के लिए नहीं है। अच्छा, ओके, तो इस पे मैं चर्चा करता हूँ। नहीं तो इसके लिए एक सोल्यूशन ये निकल सकता है कि जो कोई और दूसरा अकोमोडेशन अगर अवेलेबल है तो वो हम प्रोवाइड कर देंगे और उन लोगों के रहने के